हेलो एवरीवन वेलकम टू अनलॉक नीट मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर पूजा व्यास पीएचडी इन बॉटनी एट ईयर एक्सपीरियंस्ड हां जी बचा जी तो फाइनली हम लोगों ने आप लोगों से बातचीत की थी इस बारे में जब मैं आप लोगों के प्रैक्टिस पेपर्स ले रही थी और मैंने कहा था मैं बहुत जल्द ही मोक टेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगी सो so, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे मोक टेस्ट और ये मोक टेस्ट जो है ये चलने वाले हैं टिल जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक यानी कि अभी हम कंटिन्यू डेली यहाँ पे मॉक टेस्ट करेंगे फुल सिलेबस टेस्ट करेंगे बिल्कुल सो so, तैयारी होगी जम के और इस बार जो हमारा प्रॉमिस है अपने आप से कि इस बार तो नीट क्या कर लेना है

आपको उनको ज्वाइन करने के लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा और अगर आप इसमें कोड अप्लाई करते हैं व्यास तो आपको यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा यस yes, बच्चा जी आगे बढ़ते हैं न्यू आइकॉनिक बैचेस भैया ये जो आइकॉनिक बैचेस हैं इसमें ऐसे क्या फीचर हैं जिनको हम आइकॉनिक बोल रहे हैं बिल्कुल बहुत बेस्ट फीचर है जो अनकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है लाइव डाउट सॉल्विंग बच्चा जी कितनी भी कोशिश कर लीजिए कितने भी ट्राई कर लीजिए आप ये सोचते हैं कि ठीक है कोई टीचर पढ़ाएगा मेंटर गाइड से हम क्लासेस लेते रहेंगे और सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी ऐसा नहीं होता क्योंकि एक्चुअल जो परीक्षा हम बोलते हैं एक्चुअल एग्जामिनेशन जो होता है वो तब होता है जब हम एमसी करने बैठते हैं और एमसी करते समय बच्चा जी इतने सारे डाउट्स आ जाते हैं क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो देन स्टेटमेंट हमें कंफ्यूज कर देते हैं सो हमें चाहिए कि हमारे सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो इसके लिए बच्चा आपको किसी किसी मेंटर या गाइड को अच्छे से फॉलो करना होगा तभी ऐसा हो सकता है और अगर आप एक्चुअल में ये चाहते हो कि आप नीट क्रैक कर लो अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है आपको ऐसा लगता है शायद हो सकता है मे बी मैं नीट क्रैक करूंगा या नहीं करूंगा क्यों फालतू के अंदर मैं जो है इतना इन्वेस्टमेंट कर दूं लेकिन बच्चा आज का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कल का भविष्य है स yes. तो लाइव मेंटर सेशन जो है वो आपको इसमें मिलेंगे गाइड मिलेगा आपको नोट्स जो है वो आपको अवेलेबल होंगे जो आपके घर पे आएंगे और प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सभी मिलेंगे आइकॉनिक बैचेस में अभी डाउट्स कैसे पूछोगे कुछ नहीं करना है आपको हमारा अनकेडमी का लर्निंग एप डाउनलोड करना है लाइव मेंटरशिप जो प्रोग्राम है जहाँ पे वो सेक्शन दिया गया उसको आपको चूज करना है फिर आप वहाँ पे अपना सेशन टाइप जो है उसको क्या करोगे सेलेक्ट करोगे सब्जेक्ट को पिक करोगे अपना टाइम स्लॉट बुक करोगे और उसके बाद में आपके जो भी डाउट्स है वहाँ पे लिख दोगे आपका सेशन जो है वो कन्फर्म हो जाएगा और जो टाइम स्लॉट आपने बुक किया है सेम टाइम पे आपको ऑडियो कॉल के थ्रू जितने भी डाउट्स है उनके आंसर्स मिल जाएंगे यस yes बच्चा जी तो आप इस तरीके से अन के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं और अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं अभी देखिए एन अकेडमी अपने ब्रांडेड नोट्स प्रोवाइड कर रहा है ये जितने भी नोट्स हैं वो सभी जितने भी टॉप हम बोलते हैं फैकल्टीज जो हैं उन्होंने उनको चेक किया है उसके साथ में जितने भी आपके जो हमारे पास्ट ईयर के जो रैंकर्स हैं उनसे भी हमने रिव्यू करवाए हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि उनके सैंपल को देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा आप उसको जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं ये नोट्स आपको मिलेंगे ट्वेल्व मंथ एटीन मंथ एंड ट्वेंटी मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर आइकॉनिक बैचेज में और प्लस में भी ये आपको नोट्स मिलेंगे लेकिन एप्लीकेशन में ही एक्सेस कर पाओगे हाँ जी बच्चा जी आगे बढ़ते हैं प्लस एंड आइकॉनिक बैचेस के चार्जेस इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन चलता रहता है सभी पूछते भी रहते हैं हेलो एवरीवन हेलो तो देखिए जो आपके आइकॉनिक बैचेस हैं इसके लिए आपको पर मंथ पे करना होगा फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड से आप ट्वेल्व के लिए लेते है। याद जितने अगर वो नहीं ज्वाइन करना चाहते तो प्लस को ज्वाइन करो प्लस के अंदर आपको ट्वेल्व मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर, पर मंथ थ्री पे करना पड़ता है बचा जी कोड अप्लाई करेंगे आप लोग व्यास वी ताकि आपको एडिशनल डिस्काउंट यहाँ पे मिल सके अनअकैडमी फाइनेंशियली भी असिस्ट कर रहा है तो आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकते हैं इस तरीके से भी और 810086666 पर कॉल करके अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस आप लोग ले सकते हो यस एवरीवन हाँ जी तो ये थी जरूरी जानकारी जरूरी बातचीत जो हमने की और बिल्कुल पूजा मैम की स्पेशल क्लासेस जो है उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चा जी ये जो स्पेशल क्लासेस होती है ये अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे होती हैं और देखिए ये जो क्लासेस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं पूजा मैम जो है यानी कि मैं मैं आपको 22 टू एंड ट्वेंटी के लिए अभी प्लांट किंगडम को मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया है और 21 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए हम लोग प्रैक्टिस पेपर के जो सेशन है वो हम वहाँ पे ले रहे हैं पूजा मैम की स्पेशल क्लासेस का टाइम है 6 पी एंड 9:30 थर्टी पी यस आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं मुझे मेरा जो प्रोफाइल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा वहां जाकर आप मुझे फॉलो कीजिए तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट है और किसी भी तरह का स्पैमिंग और इस तरह की चीजें जो है उनसे आप बचते हैं यस yes, बच्चा जी काफी लंबे टाइम बाद में हम जुड़े हैं यहाँ पे बिल्कुल आ, लेकिन देखिए बहुत शानदार जुड़े हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे मोक टेस्ट करेंगे और वो भी फुल सिलेबस का चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सबसे पहला क्वेश्चन नंबर वन अभी देखिए क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है इंक्रीज इन मास Differentiation, increase in number of individual, response to stimulus, which two points are known as the twin characteristics of growth? Growth के इनमें से कौन से दो characteristics हैं जो आपको बताते हैं चलिए सो देखिए ऑप्शन अभी आपको चूज करना होगा ट्विन characteristics ग्रोथ के बारे में जब बात करते हैं तो हम बोलते हैं अगर मास बढ़ता है तो वो भी ग्रोथ है और अगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है तो वो भी ग्रोथ है इसका मतलब यहां पे देखिए हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में एंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में तो ये दोनों ही राइट right है राइट right? और रेस्पॉन्स टू मिली ये कॉन्शियसनेस है डिफ्रेंशिएशन इससे क्या होता है इससे परमानेंट यानी टिश्यू ऑर्गन ये बाकी डेवलपमेंट जो है वो प्रोसेस होता है राइट right? तो हम बात करें ग्रोथ के बारे में तो ग्रोथ जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन होगा और ये हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी के अंदर यस सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी री गुड राधा वेरी गुड चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू को देखें हाँ जी चलिए द सेल डिविजन इन एनिमल आपको बताना है सेल डिवीजन के रिगार्डिंग बात पूछी गई है आपको फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं आपको इनको फिल करना है जब प्लांट्स के अंदर ग्रोथ की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है इसका मतलब वो कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ सेल डिवीजन करते रहेंगे लेकिन जब आप बात करोगे कि किसके अंदर एनिमल के अंदर तो आप देखते हो कि इनके अंदर एक सर्टन एज तक ही ग्रोथ हमें देखने को मिलती है तो सेल डिविजन भी हमें सर्टन एज तक ही देखने को मिलेगा हाँ अब आप ये नहीं कह रहे हो कि कंप्लीटली सेल डिवीजन अपसेंट हो जाएगा भैया रिपेयरिंग के लिए सेल डिवीजन होगा वो टिश्यूज के अंदर होगा एनिमल के अंदर बट वो अलग कंडीशन है हम यहाँ पे ग्रोथ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो सेल डिवीजन कंटिन्यू रहता है प्लांट्स के अंदर और एनिमल के अंदर हम बोलते हैं सर्टन एज तक अप टू सर्टन एज सो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यस राधा वेरी गुड गुड मॉर्निंग सुमन गुड मॉर्निंग सुमन राइट आंसर वेरी गुड बच्चा जी चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री जनरली ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर अभी बताएंगे आपसे पूछा गया है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में फर्स्ट ऑप्शन में दिया म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट ऑप्शन बी में दिया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऑप्शन सी में दिया है इधर ए और बी और ऑप्शन डी में दिया है नन जल्दी से आंसर करेंगे एवरीवन सुमन ओ हो 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 सोचा समझा नहीं एंड देन आंसर कर दिया यस मोहन राइट अमित राइट अभी देखो हम क्या बोल रहे हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के बारे में अब ये जो चीज है ना यहाँ पे आपको स्पेशली बोला नहीं गया कि यूनिसेलुलर के बारे में बात कर रहे हो या फिर मल्टी सेलुलर के लिए यूनिसेलुलर में बोलोगे तो तुम क्या है म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है बट मल्टी सेलुलर में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो दोनों ही कंडीशन है क्योंकि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात नहीं की गई है आंसर so क्या हो जाएगा? C, yes. Yes. लेकिन देखो बच्चा, यहां पे आपको यह नहीं, नहीं बताया गया कि किसके बारे में बात हो रही है राइट right? चलो अभी आगे बढ़ेंगे विच इज नॉट करेक्ट अबाउट मिथेनोजन चलो आंसर करो फटाफट से an के बारे में करेक्ट नहीं है पूछा गया अभी देखो क्या दिया

मतलब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो भी अपना नाम बताते हुए पीछे नहीं हटती है तुम लोगों को इतना डर क्यों है अपना नाम लिखा करो बच्चा ताकि आप लोगों को आपके राइट नाम से हम बुला सकें लोल क्या नाम होता है चलो हाँ जी तो राइट आंसर है ऑप्शन थ्री क्वेश्चन नंबर फाइव अरे स... भैया डांटा नहीं है सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डज नॉट अप्लाई टू डाइटम्स डायटम सेलवॉल मे बी इम प्रेगनेंट विदिका सेलवॉल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल्स फिट टाइटली इज इज एंड मल्टीफ्लेजिलेट अभी देखो डज नॉट अप्लाई बोला गया है डाइटम्स के रिगार्डिंग डाइटम्स जो कि क्राइजोफाइट के मेंबर है डाइटम्स जिनको हम गोल्डन ब्राउन एलगी बोलते हैं जिनके अंदर सिलिका का कवरिंग होता है फ्रस्टूले। और ये दो हाफ में होता है एपिथिका लाइक अपीयरेंस होता है और अगर ये मर जाते हैं है, तो के से है, ये पैसिवली मूव करते हैं विद द वॉटर करंट क्योंकि मेन प्रोड्यूसर है ओशियन के अंदर मल्टी फ्लैजिलेट ये कंडीशन इनमें नहीं है बिल्कुल इनके अंदर इनकी वेजिटेटिव लाइफ के अंदर आपको फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेंगे सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एवरी वन क्लियर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं सुमन वेरी गुड बहुत बढ़िया हरिओम गलत हरिओम गलत दो हाफ बिल्कुल ये दो हाफ इसके हम बोलते हैं शेल होते हैं जो टाइटली फिट रहते हैं तभी उसको बॉक्स लाइक अपीरेंस बोलते हैं यस अमित रॉन्ग हाँ जी केवल सुमन का राइट है अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स चलो बताओ भाई अभी यहां पे आपको क्या दिया गया है यहाँ पे आपको दी गई है टेबल ठीक है फीचर दिया है क्लास दिया और एग्जाम्पल दिया है अब आपको बताना है कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है नंबर वन देखो सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ पॉली सल्फेट ईस्टर रेड एल्गी पोर फायरा हाँ जी क्वेश्चन नंबर सिक्स रीड एन आंसर अभी देखो सेकंड में आपको दिया है टू टू एट एपिकल इक्वल फ्लैजिलास क्लोरोफाइसी वॉलवॉक्स रिजर्व फूड मटेरियल शुगर अल्कोहल कॉल्ड मैनीटोल ब्राउन एल्गी कारा एंड जिया ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस अभी बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर यस सुमन सिक्स कैसे होगा फर्स्ट आपने बताया है ठीक है पॉलीसल्फेट ईस्टर रेड एलगी के अंदर प्रेजेंट होते हैं यस उनकी वॉल के अंदर आप उनको हाँ कैराजिन बोल देते हो रेड एलगी पोर फायर है बिल्कुल राइट है फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम राइट है सेकंड देखो टू टू एट एपिकल इक्वली फ्लेजिला बिल्कुल दो से आठ होते हैं इक्वल होते हैं, हैं है, है। थर्ड के अंदर देखो रिजर्व फूड मटेरियल शुगर एल्कोलिटोल बोला है, है। बट कारा एग्जाम्पल में दे दिया गलत गलत हो गया ना ये अभी देखो जिया जियान, ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस कार्पस है तो देखो ये गलत तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री यस राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री बच्चा जी क्लियर करेंगे बिल्कुल जी क्लियर चलो क्वेश्चन नंबर सेवन रीड एन आंसर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन साइकस साइकस के अंदर फर्टिलाइजेशन से रिगार्डिंग बात पूछी गई है आपसे फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या दिया है मोटाइल मेल गैमेट कैरिट बाय द पोलन ट्यूब अभी देखो मेल गैमेट जो है वो मोटाइल है उसके बावजूद भी उनको पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या किया जा रहा है ट्रांसफर किया जा रहा है जिम्नोस्प ये शो बोथ स्पिनोगेमी जुइडोगैमी एंड वाटर इज नीडेड वाटर इज नॉट रिक्वायर्ड चार स्टेटमेंट भी है राइट बताने आपको तो बिल्कुल जब बात करते हैं जिम्नोसपम के अंदर तो हम क्या बोलते हैं कि जिम्नोसपम जो होते हैं इनके अंदर स्फिनोगेमी प्रेजेंट होती है पॉलन ट्यूब के थ्रू ये क्या करते हैं गैमेट को ट्रांसफर करते हैं लेकिन साइकस के अंदर ये जो मेल गैमेट होते हैं ये मोटाइल होते हैं तो मोटाइल मेल गेमेट के ट्रांसफर को हम बोल देते हैं जूडोगेमी तो दोनों ही होगा बिल्कुल राइट है ये स्टेटमेंट भी बट जिम्नोसपम के अंदर डायरेक्ट पॉलिनेशन होता है उनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सो वॉटर इज नॉट रिक्वायर्ड ये हम बोलेंगे वाटर इज नीडेड ये गलत है तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट है हमारे पास में सेकंड भी राइट है एंड फोर्थ भी राइट है तो आंसर क्या मिलेगा हमें ऑप्शन टू क्लियर है एवरी यस सुमन गलत नहीं, नहीं 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 राइट है राइट है बी आंसर क्या राइट है हाँ जी राइट है राइट है. चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर एट मैच द कॉलम कॉलम को मैच करना है देखो ये देखो एनिमल किंगडम में इसी तरह के मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आएंगे आपको एनिमल किंगडम के ये अंदर फाइलम के एग्जाम्पल के साथ में मैच करने को लेकर या उनके कैरेक्टर को मैच करने को लेकर पूछे जा सकते हैं अभी देखो पे में आपको दिया है सी स्टार टीनोप्लाना फिर आपको दिया टीनोफोरा सिलेट्रेटा मोलस का करना है तो सी हेयर किससे मैच करता है बच्चा जी सी हेयर ये है मोलस का यस पेनेट्यूला सी पेन से मैच कर रहा है भाई? फीदर स्टार, टीनो दो ही तो है टीनो फोरा में टीनो so, right answer, हमें क्या मिलेगा पे मैच किया हमने कॉलम तो आंसर होगा ऑप्शन डी क्लियर है एग्जाम्पल्स को उसके फाइलम के साथ में मैच करना था दैट्स इट गुड मॉर्निंग नेहा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नेहा सुमन राइट आंसर रेडी वेरी गुड बच्चा बहुत ही शानदार जी क्वेश्चन नंबर नाइन देखो अभी इसमें क्या पूछा है हम्म चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आपसे सही स्टेटमेंट पूछा गया है किसके रिगार्डिंग फ़ाइलम ओर्थोपोडा ठीक है अभी देखो ओर्थोपोडा एनेलिडा कॉर्डेटा तीनों फ़ाइलम अच्छे से कर लेना बच्चा क्वेश्चन आते हैं यहां से बिल्कुल ये बहुत फेवरेट वाले हैं और आपका बेसिस

थ्री सेगमेंट कॉकरोच को याद कर लो एग्जाम्पल एग्जाम्पल से याद रख पाएंगे ना और टेन सेगमेंट कॉकरोच में किससे बिलोंग करता है इंसेक्टा ऑर्थोपोड है अनसेगमेंटेड बॉडी नहीं है एक्सटर्नली सेगमेंटेड है लेकिन सेगमेंटेड है बिल्कुल सो so आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी क्लियर एवरीवर यस राइट आंसर होगा ऑप्शन डी क्योंकि ये दोनों मिलाकर आपको डी के अंदर दिया गया बोथ ए एंड सी यस हाँ डेली आएंगे बच्चे अभी तो डेली आएंगे यस नेहा राइट आंसर है बच्चा जी सुमन राइट right आंसर है यस क्वेश्चन नंबर टेन रीड एन आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये पूछा गया है अभी देखो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया मेंबर्स ऑफ एनिलीडा आर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल रेडुलाइज करेक्टर ऑफ ऑर्थोपोड

यस, yes. सो so, अभी देखो राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन बी रेडुला क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया बी आंसर करेंगे जिसान वेरी गुड बिल्कुल अशर वेरी गुड नेहा <laughs> हाँ बच्चा लेकिन अब रेगुलरिटी रहेगी आप लोगों के यहां पे। राधा मोहन गलत चलो राइट right आंसर करने वाले में कौन है भाई नेहा नेहा राइट आंसर किया वेरी गुड चलो क्वेश्चन नंबर 11 चेक करो क्या दिया है हाउ मेनी स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विदाउट एक्सेप्शन आपको वो स्टेटमेंट बताने हैं जो सही हैं जिसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो क्या दिया है ऑल स्पंजस आर मरीन सभी स्पंजस जो हैं वो मरीन हैबिटेट में रहते हैं तो व्हाट अबाउट स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पंज गलत ऑल मेंबर्स ऑफ प्लेटी हेल्मिंथीज आर एंडो सो व्हाट अबाउट प्लेनेरिया जो कि एंडोपैरासाइट नहीं है सो so, गलत ऑल मेंबर्स ऑफ टीनो फोरा आर मरीन यस टीनो इका अब क्या अगर हेमिकॉर्डेट्स इकाइनोडर्मेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मरीन हैबिटेट में हमें देखने को मिलते हैं चारों के बारे में याद कर लो जब भी कोई पूछे एक्सक्लूसिवली मरीन कौन यस yes. टीनोफोरा भी है इकाइनोडर्मेट भी है हेमिकॉर्डेट भी है और यूरोकॉर्डेट भी है यस yes. सो so, ये स्टेटमेंट राइट है All members of are so, बच्चे देखो ये इतना बड़ा हमें का और भी भी के अंदर लिखा है mostly तो कुछ वी -वी -पैरस भी हमें देखने को मिल सकती है ठीक है हम नहीं जानते हैं हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, इतनी सारी स्पीशीज है सबसे ज्यादा ऑर्थोपोड हमें देखने को मिल रहे हैं सबसे बड़ा फाइल ये आपका फाइलम है तो ओवीसी चीज पेरस भी कोई ना कोई फॉर्म होगी कहीं ना कहीं बिल्कुल So, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं हम इसको भी गलत बोल रहे हैं एक्सेप्शन हो सकता है इसमें भी सो राइट आंसर हमें क्या मिला ओनली थर्ड वाला तो so, ओनली एक स्टेटमेंट कितने स्टेटमेंट ओनली वन किस में दिया है डी में सो so, आंसर क्या हो जाएगा डी क्लियर एवरी वन यस हाँ स्कॉर्पियन वेरी गुड सुमन स्कॉर्पियोन जो है वो वीवी -वी पेरस है वेरी गुड नेहा गलत जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मैच द कॉलम कॉलम वन को कॉलम टू के साथ मैच करो फटाफट से मैच कर दो एनिलीडा टीनो फोर एसके डरमेटा एस के एलिमंथीज राउंड वर्म रिम लाइक बॉडी सेगमेंट कॉम्प्लेट एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम चलिए मैच करेंगे कॉलम वन को कॉलम टू के साथ में अभी देखिए एनिलीडा एनिलीडा के अंदर क्या होती है भाई रिंग लाइक बॉडी सेगमेंटेड टीनो स्किन में हमें कॉम्प्लीट देखने को मिलती है इकाइनोडर्मेट्स वाटर वेस्कुलर सिस्टम एसके के राउंड वॉर्म्स तो देखो मैच किया कहाँ पे ऑप्शन ए वेरी गुड जिशान सुमन अशर बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर थर्टीन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट आपको बताना है वेरियस टाइप ऑफ सिमेट्री अकर्स इन बहुत सारी अलग अलग तरह की इनके अंदर सिमिट्री होती है पोजेस बायोलेटर सिमिट्री अडल्ट के अंदर अंदरिटर होती है गलत, गलत रेडियल है, साइकन है जिनमें रेडियल सिमिट्री देखने को मिलती है सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जरा देखिए किसने किया अशर गलत जिशान वेरी गुड सुमन गलत हां जी क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर चलो फोर्टीन बताओ एंडोकार्प इज स्टोनी इन द फ्रूट ऑफ एंडोकार्प किसके अंदर स्टोनी होता है ये आपको बताना है बैरी में पोम में ड्रप में या फिर पेपो में तो पेपो कुकरबिटेसी फैमिली बैरी सोलिनसी फैमिली पोम पपाया वगैरह ड्रप मैंगो एंड कोकोनट बट आप क्या देखते हो ड्रप आपको बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया गया है बोला गया है कि सुपीरियर ओवरी हम बोलते हैं कि मोनोकार्पलरी मोनोकार्पलरी ओवरी है सुपीरियर ओवरी है राइट

चलो ट्यूबेरस स्टोरेज रूट हाँ अभी थोड़ा सा मैं ऐसे हटूं आपको ऑप्शन नजर आ जाए अरे बाबा रे इतनी जल्दी आंसर भी मार्क कर दिया सुमन ट्यूबेरस रूट किसके अंदर एस्पेरेगस के अंदर होती है एडवेंटिशियस बिल्कुल रूट है स्टोरेज करेगी न्यूमेटोफोर राइजोफोरा मैनग्रूव वेजिटेशन होस्टोरिया जो पैरासाइट प्लांट होते हैं उनमें विस्कम एल्बम यस, प्रॉप रूट बनियान ट्री एसीट्री रूट यस, सो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन वन यस सुमन वेरी गुड अभी जल्दबाजी मत करो हाँ जी चलो अभी बताओ ट्रू फॉल्स राइजोफोराइज मैन ग्रोव विच बीअर न्यूमेटो फोर इट ग्रोस इन मार्शी सेलाइन सॉइल हां जी बच्चा जी जल्दी बताओ अभी देखो रेस्पिरेटरी रूट के बारे में बात की गई है मैनग्रूव वेजिटेशन के अंदर आइजोफोरा उसका एक्साम्पल है जिसके अंदर न्यूमेटोफोर डेवलप हो जाते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिज में शो करते हैं नेगेटिवली जियोट्रॉफीज में शो करते हैं और ये बिल्कुल माशी सेलाइन सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तभी इनको रेस्पिरेशन की जरूरत होती है और रेस्पिरेटरी रूट फॉर्म करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है दोनों स्टेटमेंट राइट है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सिक्सटीन में होगा वन कोई बात नहीं हां जी सुमन राइट आंसर है बहुत बढ़िया अभी देखो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कॉलन कायमा कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द पेरन कायमा बताओ भाई कॉलन कायमा को आप पेरन कायमा से कैसे अलग करोगे इनमें लिविंग है तो दोनों ही लिविंग है ना पैक्टोसेलोलॉजिक डिपॉजिट एट द कॉर्नर्स सेलुलोजिक सेल वो दोनों प्लांट सेल है दोनों में सेलुलोजिक होगी नो प्रोटोप्लाज्म दोनों के पास में प्रोटोप्लाज्म की तो कंडीशन ही नहीं है सो so आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन क्योंकि में में कॉर्नर डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है ये मैकेनिकल टिश्यू है सो राइट आंसर होगा ऑप्शन टू सेवनटीन में बी जिशान गलती करे हो जल्दबाजी में इतना जल्दबाजी मत करो राइट right आंसर करना जरूरी है बच्चा टाइमिंग का नहीं है राइट right आंसर करना जरूरी है सुमन राइट right है अशर राइट right है वेरी गुड नेहा जी चलो क्वेश्चन नंबर एटीन मार्क करेंगे मैच कॉलम है लिस्ट लिस्ट को के साथ में आपको क्या करना है मैच करना है और करेक्ट कॉम्बिनेशन भी बताने हैं ठीक है चलो अभी जब मैम के ये रह जाते हैं ओपन एनिमेशन बड़ी दिक्कत आती है चलो स्ट्रक्चर को मैच करना है फॉर्मड पार्ट के साथ में फेसिकुलर कैम्बियम दिया है आपको यानी जा आपके फ्लोएम के बीच में वेस्कुलर बंडल में तो सेकेंडरी सेकेंडरी को बनाएगा बिल्कुल तो देखो फॉर्मड पार्ट क्या हो गया फोर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दो वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट ये क्या है कैम्बियम है किसको बनाएगी ये बनाएगी सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो वुड रेज हो सकती है या फिर बास्ट रेज हो सकती है तो थर्ड

सी सेकेंड के साथ में नहीं है सी फर्स्ट के साथ में है और डी जो है वो सेकेंड के साथ में है चलो मैच करो भाई कौन सा हो गया एटीन में यस राइट आंसर है ऑप्शन वन जी ए नेहा वेरी गुड क्या बात है सुमन वेरी गुड चलो जिशान वेरी गुड शानदार क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखो ट्रू फॉल्स आई है ठीक है सीवी ट्यूब्स आर सुटेड फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड दे देस परफोरेटेड क्रॉस वर्ल्ड सीवी ट्यूब्स जो है इससे हम बोल रहे ट्रांसलोकेशन फूड का होना अच्छी बात है होना चाहिए ज्यादा अच्छा क्योंकि सीवी ट्यूब्स के पास में कुछ ऐसे करेक्टरस्टिक्स होते होंगे बिल्कुल कौन से characteristics है कि उनकी क्रॉस वॉल ये डेड ये जो होती है सीवी ट्यूब्स ये लिविंग टिश्यू है और इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है परफोरेशन प्लेट जो होती है वो देखने को मिलती है क्रॉस वॉल जो होती है दैट इज आल्सो परफोरेटेड जिसकी वजह से ये क्या करती है एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है और सोर्स जो होता है वहां तक ये क्या कर सकती है वहां से फूड को सिंक तक पहुंचा सकती है सोस से सिंक तक मूवमेंट करवा सकती है तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट right भी दिए हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्लियर बच्चा जी समझ में आ गया दोनों राइट right है और एक्सप्लेनेशन भी क्लियर है बिल्कुल सो फर्स्ट स्टेटमेंट जरा देखें अरे आफ्ताब <laughs> तुम तुम अन नीट से यहां पे जस्ट मतलब ये सेशन स्टार्ट होने से पहले मेरा हैबिट है कि मैं अपना प्रीवियस सेशन जो होता है उसमें अगर किसी बच्चे का क्वेरी होता है तो मैं चेक करती हूँ और हाँ तुम्हारा नाम क्या है आयुष तुमने मेरे ख्याल से वहां पे भी मुझे फ्रॉग के बारे में पूछा है जस्ट मैंने पढ़ाई था तुम्हारा कमेंट भी नहीं बच्चा फ्रॉग हम नहीं करेंगे अभी अब हम सेल स्टार्ट करेंगे आज हम एन टी ए NTA के मोस्ट फेवरेट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे वन टू टू पी एम पे अनकेडमी नीट पे ठीक है और उसके बाद में कल से हमारा सेल स्टार्ट हो जाएगा ट्वेंटी थ्री के बैच के लिए आज का जो सेशन है क्योंकि हम लोगों ने फाइव डे चैलेंज लेके आए थे आप लोगों के लिए ट्वेंटी वन के स्टूडेंट्स के लिए और ट्वेंटी टू के स्टूडेंट्स के लिए तो उसमें हमने इलेवेंथ पूरा कवर करवा दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए थे ट्वेल्थ के टॉपिक्स नहीं हुए थे तो आज का सेशन उन्हीं के लिए क्योंकि टेन डेज के बाद में उनका एग्जाम है ट्वेंटी वन के बच्चों का ठीक है <laughs> चलो हां जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग शो करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ अकरिंग इन साइड द स्टील चलो बताओ करेक्ट सिक्वेंस आपको बतानी है कि जो स्टीलर रीजन होता है वहां पे सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे करेक्ट सिक्वेंस क्या होती है फर्स्ट देखो स्टेटमेंट में क्या दिया है फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम पहले वेस्कुलर कैम्बियम बनेगी फिर क्या होगा भाई अपियरेंस ऑफ एनुअल रिंग होगा बिल्कुल एनुअल रिंग जो है वो फॉर्म होगी हम बोलते हैं स्प्रिंग वुड ऑटम वुड बनेगी देन फॉर्मेशन होगा वुड का एंड सेव वुड का बिल्कुल वुड ऑर्गेनिक डिपोजिट करके और वुड अर्ली जो नई बनने वाली न्यूली फॉर्म एनुअल रिंग्स होती है वो बनेंगी तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है सेकंड में देखो क्या बोला है अपियरेंस ऑफ एनुअल रिंग पहले एनुअल रिंग बनेगी उसके बाद में वुड एंड वुड बनेगा और उसके बाद वेस्कुलर कैम्बियम बनेगी तो

प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड बोन मैट्रिक्स बोन मैट्रिक्स के अंदर आपको ओसिन देखने को मिलते हैं हैवरशियन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं यस yes, ये प्रेजेंट होता है राइट होगा वन मेच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और लिम्फोसाइड जो होती है वो एंटीबॉडी फॉर्म करती है तो क्वेश्चन मैच करेगा किसके साथ में ऑप्शन फोर के साथ में यस yes. सुमन कंफ्यूज होते हैं कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है एक दो बार क्या पांच मिनट के लिए टाइम दे दो इनको बैठ के आराम से जहां कंफ्यूजन होता ना एकदम सब चीजें छोड़ के पानी का एक गिलास पी के और उस टॉपिक को उस टाइम को उस लाइन को एक बार पढ़ो एक बार ना सारी चीजों को छोड़कर तो वो एक बार करेक्ट आप लोग जब रीडिंग लगा लोगे ना करेक्ट भागते भागते जब रीडिंग लगाते हैं ना वो हमेशा सुपरफिशियल जाता है दिमाग के ऊपर से हमेशा ऊपर जाता है एक बार उसको करेक्टली पढ़ लो कॉन्सेंट्रेट करके उसके बाद में आपका ब्रेन अपने आप ही काम करेगा होता है ना ब्रेन में पहले आप चीजें पढ़ते हो फिर वो आपके मेमोरी में चली जाती है देन फिर वो हमेशा अपने आप ही याद रहती है फिर वो अपने आप याद हो जाएगा चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का आंसर करो एपीथिलियर टिश्यू प्रेजेंट ऑन इनर सरफेस ऑफ ब्रॉक्यूअल्स इज ये देखो ये एनसीआरटी के अंदर दिया है ये लास्ट ईयर भी आया था इसमें से सिर्फ ब्रॉन्क्यूल्स उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया है बिल्कुल स्क्मसिलेटेड ग्लैंडुलर क्यूबॉइडल क्या होता है भाई ब्रोंक्यूल्स के अंदर यहां पर आपको कॉलुमनर एपिथिलियम देखने को मिलती है और वो भी सिलियेटेड जहां पर भी मूवमेंट के बारे में बात होगी बिल्कुल तो स, जो ब्रॉन्स होते हैं इनके अंदर होती है याद रख लो फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी है है बिल्कुल epi, आपकी जो एपिन सेल है ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है सिलियेड एपिथिलियम है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के हर क्वेश्चन को थोड़ा क्लियरली पढ़ेंगे सो राइट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन टू देखिए जरा यस वेरी गुड जिशान सुमन नेहा बहुत ही बढ़िया उमदा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री मैच द कॉलम है फिर से और देखो ये जहां पे मैंने मैच द कॉलम लेके आया ना बच्चा यहां से मैच द कॉलम ही आते हैं प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना ठीक है इसीलिए जहां पे मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होते हैं ना वहां पे मैच द कॉलम या फिर हम ये बोलते हैं कि कितने स्टेटमेंट इनमें से राइट right हैं इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं अब देखो कॉलमनर एपीथिलियम लिगामेंट एसिडोफिल यूनि स्पिंडल शेप मसल फाइबर ये दिया मैच करना है कॉलुमनर एपीथिलियम बताओ भाई प्रेजेंट होती है कॉलमनर के बारे में हम बात करेंगे तो कॉल्यूनर जो होती है ये बिल्कुल इनकी प्रेजेंस के बारे में तो कहीं नहीं लिखा है लेकिन कॉलमनर एपिथिलियम पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है ये लिखा है ब्रश बॉर्डर कॉलुनर एपीथिलियम बनती है लिगामेंट लीगामेंट जो होते हैं वो किस तरह के टिश्यू हैं वो डेंस रेगुलर yes. करता है तो यहां पे देखो लैरिंग्स जो है वो दैट इज कार्टिलेजिनस अगर वो कार्टिलेजिनस है तो इसका मतलब उनके अंदर कॉन्ड्रोब्लास्ट प्रेजेंट होगी एसिडोफिल इसको हम इोसिनो ये देखो इोसिनोफिल भी बोलते हैं राइट याद है और उनका बनना उनका कम होना Yes. उसी से रिलेटेड आ गया ये और और इसका मतलब बात किसके बारे बारे में smooth muscle के बारे में के जो होती है वो कहां प्रेजेंट होती है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर बिल्कुल यूरिनरी ब्लेडर सो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन मैच करेंगे भाई 23 के अंदर ऑप्शन वन यस वेरी गुड सुमन जिशान बहुत बढ़िया उमदा

ये दोनों ही गलत दे दिए पूछा क्या है ऑफ द अब इन करेक्ट कौन से गलत है ये तो थर्ड एंड फोर्थ गलत है थर्ड एंड फोर्थ किस में में दिया है ऑप्शन आंसर हो 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 गया ओ यस वेरी गुड सुमन बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव चलो बहुत ही ईजी है एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फूड का ट्रांसलोकेशन किससे समझोगे गर्डलिंग कैपिलरी ट्यूब कॉबर्ड क्लोराइड या फिर पोटेशियम ये ओस्मोस्कोप गर्डलिंग एक्सपीरियंट इसमें क्या करोगे फ्लोएम को हटा दोगे तो पता चल जाएगा कि ट्रांसलोकेशन फूड का अभी देखो सॉल्वेंट के अंदर हाँ टू सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन अब क्या बोलते हो सॉल्यूशन के अंदर बात करो जो वाटर का पोटेंशियल है उसको आप क्या बोलते हो यही तो है केमिकल पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल सो so आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन टू यस वेरी गुड सुमन बहुत बढ़िया नेहा गलत क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन प्लांट रिक्वायर टू मेटाबॉल या रे 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 प्लांट रिक्वायर टू मेटेलिक कंपाउंड मिनरल्स फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस एक का बिल्कुल फंक्शनल एंड उसको बनाने में हेल्प है बिल्कुल सो so देखो एक स्ट्रक्चरल है और एक उसको बना रहा है तो दोनों ही चाहिए बनाने के लिए आयरन भी चाहिए और मैग्नीशियम भी चाहिए राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन टू ट्वेंटी सेवन यस सुमन बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 28 अभी बताओ इफ ए टिश्यू ऑफ प्लांट हैज द सेल विद गिवन ऑस्मोटिक वैल्यू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर अमंग द सेल इज आपको डायरेक्शन बताना है फार्मूला पुट कर लो भाई वाटर पोटेंशियल निकालने का सॉल्यूट पोटेंशियल यस प्रेशर पोटेंशियल अभी देखो यहां पर क्या आ जाएगा यहां पे आ जाएगा -2 यहां पे क्या आ जाएगा -2 और ये कितना है -1 तो किधर होगा मूवमेंट अपना हम बोलते हैं हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ सो so, बी से क्या हो जाएगा ए में और बी से क्या हो जाएगा सी में और यहां पे दोनों का इक्वल है तो इक्वल ही क्या होगा वाटर का मूवमेंट होगा इस तरीके से ए से सी में सी से ए में सो so, आंसर कौन सा होगा ट्वेंटी के लिए ट्वेंटी के लिए आंसर होगा ऑप्शन वन यस नहीं मिशन नीट गड़बड़ अभी देखो ऐसे जो होते हैं इनके लिए आपको फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा और से आपको वाटर पोटेंशियल निकाल के और बस वाटर का मूवमेंट देखना है।, मतलब है।, मतलब है उसका वाटर पोटेंशियल है और वाटर पोटेंशियल में क्या होता है अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ क्या होता है मूव करता है ऐसा ही होता है yes. so क्लियर चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी कॉलम है मैच करेंगे everyone? हाँ जी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन मैच करेंगे अभी देखो मोनोवेलेंट कैटायन मोनोवेलेंट कैटायन के बारे में बात कर रहे हैं इसका मतलब हम बोलेंगे किसके बारे में मोनोवेलेंट कैटायन कौन सा है कैल्शियम है सोडियम है पोटेशियम है सल्फर है या फिर क्लोरीन है तो भैया इसमें कौन आ जाएगा हमारे पास में इसमें हमारे पास में आ जाएगा पोटेशियम मोनोवेलेंट कैटायन बोला है यस yes. थर्ड फिर देखो डाइवेलेंट एनायन बोला है डाइवेट एनायन बोला है इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में सल्फर ट एनायन मोनोवेलेंट एनाइन के बारे में बोल रहे हैं इसका मतलब क्लोराइड यस yes, क्योंकि ये एनाइन है एंड डाईवेलेंट कैटायन डाईवेलेंट कैटायन के बारे में बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम किसके लिए बोल रहे हैं भैया डाईवेलेंट है नहीं है कैल्शियम क्योंकि सोडियम भी हो सकता है बट ऑप्शन के अंदर अगर आप मैच करोगे तो देखो भाई कैल्शियम एंड सोडियम दोनों के अंदर हो सकता है बट अगर ऑप्शन में मैच करोगे तो आपको यहां पे ऑप्शन फोर के अंदर कैल्शियम दिया है सो so आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर यस डी मिशन सुमन नेहा एवरी वन राइट आंसर क्या बात है बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर थर्टी चलो बताओ रिएक्शन सेंटर इन पी एस टू इज बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है जल्दी से बता दो फटाफट फड़ से हां जी हाँ सुमन क्या बात है बहुत बढ़िया राइट आंसर गलत अरे बाबा रिएक्शन सेंटर पी एस टू का पूछा है एक्सपेरिमेंट जो किया है उसके बारे में बात की है उसकी स्टडी पे बेस्ड हमने बात कर रहे हैं पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे उसने काम किया उसने डेमोस्ट्रेट किया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एसेंशियल है इज एसेंशियल ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ठीक है इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम ए सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन जो होता है वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है जिसको हम लेते हैं किससे किसी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फॉर्म होता है यस दिस कैन बी एक्सप्रेस बाय अब ये जो पूरा डिटेल है ये कौन से से रिएक्शन एक्सप्लेन हो रहा है तो आपको देखना होगा बात करनी होगी किसके बारे में आपको देखना होगा कार्बन डाइऑक्साइड को कहां पे फिक्स किया जा रहा है तो देखो यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड है है जो फिक्स हो रही है। शुगर बन रहा है यहाँ पे भी और यहां पे ऑक्सीजन रिलीज कर दिया है ठीक है लेकिन हमने बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर तो क्या बोल रहे हैं हम लोग कि वहां पे तो सल्फर भी हो सकता है ना क्योंकि ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया दोनों ही लिख दिए इन्होंने तो सल्फर कंपाउंड जो होता है उसको भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल सो so, यहाँ पे देखो ऑप्शन टू के अंदर ये एकदम राइट है क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी निकल सकता है और सल्फर भी निकल सकता है और वाटर मोलिक्यूल ये भी तो बनेगा और ग्लूकोज भी बन गया तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन टू यस राइट right आंसर होगा ऑप्शन टू थर्टी वन के लिए गलत है भाई कहानी आप लोगों की क्योंकि पर्पल एंड ग्रीन दोनों बैक्टीरिया के बारे में बात की गई है तो हम लोग अप्रोप्रिएट यहाँ पे सल्फ हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर हम यहाँ पे वाटर नहीं लिख सकते ठीक है ना तो हमने क्या कर दिया उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया वाटर का बनना भी तो जरूरी है और कार्बन कहाँ निकलता है यहाँ पे तुमने कार्बन निकाल दिया है गलत ना वाटर निकलता है ठीक है ऑक्सीजन निकलेगा या फिर सल्फर निकलेगी और शुगर बनेगा तो शुगर बना दिया बिल्कुल सो राइट आंसर होगा ऑप्शन टू चलो बताओ कार्बन कंपाउंड रिडक्शन ऑफ थ्री कार्बन कंपाउंड डी कार्बोक्सीेशन ऑफ फोर कार्बन कंपाउंड कार्बोक्सीेशन ऑफ फाइव कार्बन कंपाउंड रिएक्शन दैट फाउंड इन सी फोर प्लांट बट नॉट इन सी थ्री प्लांट ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन बताना है आपको इनमें से आपसे पूछा गया जो C4 फोर प्लांट में होती है बट C3 में नहीं होती अब C4 में क्या हो रहा है C4 के अंदर आप देखते हो कि जो आपकी मिजोफिल सेल्स होती है वहां पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड असेट बनता है C4 कंपाउंड बनता है राइट right? और फिर उसके बाद में जब वो बंडल मंडलशी सेल के अंदर आ जाता है तो वहां पे डी हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल के अंदर एंटर कर जाता है उसके बाद का जो डायरेक्ट रिएक्शन का साइकिल का प्रोसेस है वो तो दोनों में कॉमन है सी में भी हो रहा है सी में भी हो रहा है इसका मतलब फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है और आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है ये केवल सी में हमें देखने को मिलेगा सो राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड किस में दिया ऑप्शन थ्री में यस yes. थर्टी के अंदर राइट right आंसर क्या होगा थ्री वेरी गुड बहुत बढ़िया दिया नहीं आंसर सब लोगों ने बी मार्क किया चल बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री बताओ हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द रिड्यूस्ड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जनरेट इन वन टर्न ऑफ क्रैप साइकिल क्रैप साइकिल के अंदर एक टर्न के अंदर कितने एन ए डी एच फॉर्म हो रहे हैं यह आपको बताना है और उनसे कितने एटीपी बनेंगे एक एन से बनते हैं तीन एटीपी आपको साइकिल के एक टर्न के बारे में बोला गया और मैम कई बार बोलती है तीन तीन एक दो तीन इस सिक्वेंस को याद कर लो ये तीन एटीपी एन एच के हैं, फिर तीन हम बोलते हैं एटीपी एनएडीएच से बनते हैं ये डायरेक्टली सबस्टेट लेवल का जीटीपी जो फॉर्म हो रहा है ये दो एफ से बनते हैं और ये फिर वापस से तीन एनएडीएच से बनते हैं ये सीक्वेंस याद रह जाएगी तो आसानी से क्रैप साइकिल का याद हो जाएगा वन टर्न का पूछा है तो मैंने वन टर्न का ही लिख दिया अगर दोनों पूरा एक कंप्लीट ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का लिख दे इसका मतलब दो मोलिक्यूल के बारे में पूछा होता है तब हम इसको इंटू टू कर देते हैं बट अभी वन टर्न का पूछा है तो देखो कितने होंगे एटीपी थ्री थ्री सिक्स एंड थ्री नाइन तो टोटल कितने एटीपी बनेंगे नाइन एटीपी बनेंगे किससे एन ईडी क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ये वन क्लियर हां जी चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर वेन द मैलिक एसिड इज रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट अगर मैलिक एसिड जो है वो रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है तो क्या होगा बताएंगे द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज मोर देन ओ टू कंज्यूम अभी देखो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज लेस देन ओ टू कंज्यूम द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज इक्वल टू ऑक्सीजन कंज्यूम सी टू इज नॉट रिलीज अभी मैलिक एसिड के बारे में बात कर रहे हो बच्चा आरक्यू की वैल्यू जो होती है वो एक से ज्यादा है यस yes? तो यहाँ पे क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा निकलेगी ठीक है और ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम क्या होगी कम होगी तो आंसर क्या हो जाएगा थर्टी फोर के लिए वन द अमाउंट ऑफ सी टू रिलीज इज मोर देन ओ टू कंज्यूम यस क्लियर हां जी

ऑगजेंटिक सेल जिनको हम पेराइटल सेल भी बोलते हैं एचसीएल रिलीज करती है और कैसल कैसल फैक्टर बिल्कुल सो so, यहाँ पे इंट्रेंसिक फैक्टर जो है उसको भी रिलीज करती है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर सो गॉबलेट सेल म्यूकस लाइसोज एंटी बैक्टीरियल सेलाइवा सब ग्लैंड ऑग्जेंटिक सेल एच सी एल चलो किसपे मैच हुआ देखो क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन वन वेरी गुड सोमान वेरी गुड बहुत बढ़िया ये इस तरीके से अगर आपने तैयारी कर ली है और पूरा फुल सिलेबस के टेस्ट अगर आपने दे लिए इस तरीके से शानदार प्रैक्टिस एरोबिक रेस्पिरेशन हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ यू टू आर रिलीज ड्यू टू टी सी ए साइकिल टीसीए साइकिल से कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे तो याद रखो तीन जगह होती है कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की लिंक रिएक्शन और दो है आपके पास में टीसीए में और आपको पता है कि पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं तो हम सबको क्या करते थे इंटू टू ठीक है तो सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे तो टीसीए के अंदर कितने है? फोर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और लिंक रिएक्शन से टू यस आंसर होगा फोर हांजी थर्टी सिक्स में थर्टी सिक्स में आंसर होगा फोर ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस करो इनकी प्रैक्टिस कर लो अभी भी टाइम है यस एवरी वन चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर अब आपको क्या करना है? Arrange करना है है इनको correct sequence में absorption को लेके का absorption हो रहा है ठीक है ठीक के को लेके आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है एक्सोसाइटोसिस सब क्लेवियन वेन फॉर्मेशन ऑफ मिसेल थोरेसिक डेक्टियल फॉर्मेशन ऑफ काइलोमाइक्रोन तो सबसे पहले बायलसॉर्ट क्या करता है जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है हम बोलते हैं मिसल्स का फॉर्मेशन कर देता है तो फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स ये सबसे पहले होगा फिर क्या होगा इंटेस्टाइन की जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं उनको एबजॉर्ब कर लेती हैं उन सेल के अंदर जब वो चले जाएंगे एक्टिवली तब वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे जो गोल्जी बॉडी है उनके अंदर प्रोसेसिंग का काम होगा और फिर से वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड उसके बाद में वो काइलो माइक्रॉन जो होते हैं उसको फॉर्म कर लेंगे सो सी के बाद में फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी देखो यहाँ पे हो जाएगा कायलो माइक्रोन का फॉर्मेशन फिर जब वो यहां से तो क्या करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक से इसको अब्सॉर्ब कर लेंगे एंड देन एक्सोसाइटोसिस से उसको बाहर निकाल देंगे तो फिर क्या हो जाएगा ए एक्सोसाइटोसिस में आने के बाद में कांटेक्ट में कौन है भैया इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टियल लैक्टियल अब उसको अब्सॉर्ब कर लेगी तो आ जाएगा ई e. देन फिर क्या होगा ये एंटर करेगा अभी येक्टियल ये जो है वो क्या है वो आपकी वेन वो वेन्स हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स है अब यहाँ पे जो थोरेसिक यानी आप थोरसिक रीजन की जो डक्ट है वो फिर क्या करती है आगे जाती है सब क्लेवियन वेन यानी कि आपके जो शोल्डर्स है यहाँ पे जो वेन होती है उसके अंदर उसको एंटर करवा देती है फिर से वापस से मेन ब्लड, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ढिम्फ आ जाता है ठीक है तो देन हो जाएगा आपका डी और फिर होगा बी यस सो आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर सी एफ ए डी एंड बी आंसर होगा ऑप्शन वन थर्टी सेवन राइट आंसर सुमन वेरी गुड ए बहुत बढ़िया जी चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी एट बहुत इजी है अबाउट ट्वेल्व हंड्रेड एम एल ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग्स इज कॉल्ड क्या बोलोगे टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रेसिडुअल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी बारह सौ एम एल है लेफ्ट रह गई है लंग्स के अंदर इसका मतलब क्या है भाई रेसिडुअल वॉल्यूम है ये क्या है रेसिडुअल वेरी गुड बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन अपर पोर्शन ऑफ फेरिंग्स इज फेरिंग्स का अपर पोर्शन नेजो फेरिंग्स भैया नेजो फेरिंग्स जो नेजल कैविटी के साथ वाला है आपके बकल कैविटी के साथ वाला ओरो फेरिंग्स और लैरिंग्स के साथ वाला लैरिंगो फेरिंग्स तो अपर पोर्शन पूछा है इसका मतलब फेरिंग्स का नेजो फेरिंग्स आंसर होगा 39 में 1 39 में 1 यस yes. हां जी सुमन एक्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इज प्रेजेंट इन एवी नोड के बारे में बोला है कहा प्रेजेंट होता है एवी नोड यस तो ये कहा प्रेजेंट होता है भाई जो दोनों आपके एट्रियम है उसके सेप्टा पे इंटर एट्रियल सेप्टम पे ये प्रेजेंट होता है सो so, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोला है बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चा वहां ये जो नोड होता है ना नोड के बारे में बोला है उसके बाद में इसकी ब्रांचेस निकलेगी वो आगे फैली होंगी

फोर्टी वन के अंदर राइट आंसर होगा वेरी गुड गुडी वन के अंदर राइट आंसर क्या होगा लेफ्ट लोअर कॉर्नर राइट एट्रिया बिल्कुल सही बोला सुमन फोर्टी वन में आंसर क्या होगा भाई सी बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू अभी देखो राइट वेंट्रिकल मायोकार्डियम कॉर्नरी वेन

ई डी ए आंसर होगा आपका ऑप्शन टू यस वेरी गुड बहुत बढ़िया हाँ सुमन बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री डायस्टोलिक प्रेशर इज नॉर्मल नॉर्मली डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक क्या होता है भाई एटी बाय वन ट्वेंटी डायस्टोलिक एटी वन ट्वेंटी सिस्टोलिक सो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इजी वन फोर्टी राइट आंसर ऑप्शन ए बहुत ही आसान क्वेश्चन था यस yes. क्या बात है हां जी बहुत बढ़िया चलो नेक्स्ट बताओ क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर वॉट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डिक साइकिल इन मैन वेन द हार्ट बीट फॉर सेवेंटी फाइव टाइम पर मिनट अगर जो आपका हार्ट है वो सेवेंटी फाइव टाइम पर मिनट अगर बीट कर रहा है तो क्या होगा एक कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन इजी वन है सब आंसर मार्क कर सकते हो सी वेरी गुड पॉइंट एट सेकेंड वेरी गुड बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट कौन सा मैच जो है वो करेक्ट है ये आपको बताना है ओहो चलो ऑक्सीटोसिन ग्लूकागोन एड्रीनलिन थायरोक्सिन अभी ये ऑक्सीटोसिन जो है ये फिटल रिफ्लेक्स एक्शन भी करता है और मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी है तो ये देखो एकदम राइट है ग्लूकागोन डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल नहीं ये इंक्रीज करता है गलत िन डिक्रीज हार्ट रेट गलत इंक्रीज करता है thyroxine, BMR को decrease कर रहा है, है. गलत गलत. बढ़ा देता ये भी answer मिल गया पहले पहले ही था, Ladoo तो पहले ही था, था, तो हमने खा लिया उठा के, बिल्कुल. अभी देखो ग्लूकागोन इज सिक्रेटेड इन रेस्पॉन्स टू ग्लूकागोन कब जब ये हम बोलते हैं किसके रेस्पॉन्स में सीक्रेट होता है तो ये फीडबैक पे काम करते हैं ग्लूकागोन एंड इंसुलिन राइट जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो इंसुलिन सिक्रेट होगा और जब ब्लड के अंदर शुगर लेवल गिर जाएगा हाइपो हम बोलेंगे हो जाएगा तो होगा ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोस का लेवल बढ़े तो हम क्या बोलते हैं कौन सी कंडीशन के अंदर बढ़ता है ये हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन के अंदर इंटरेक्ट विद रिसेप्टर लोकेटेड अभी बताओ भाई जो रिसेप्टर्स हैं कौन से इनके लिए रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे हार्मोन फंक्शन वाला याद करो एफ एस एच का सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही था राइट सेल मेम्ब्रेन पे था जबकि ये स्टीरोड हार्मोन जो होते हैं इनके लिए कहा होता है न्यूक्लियस के ऊपर जो टारगेट सेल होती है उसके न्यूक्लियस के ऊपर सो so, देखो ऑप्शन में कहा दिया गया इन द न्यूक्लियस ऑफ टारगेट सेल ये देखो ऑप्शन टू तो फोर्टी सेवन में राइट आंसर होगा बी वेरी गुड सुमन एंड जिशा बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट माइक्रोप्स एंड प्लांट्स एनिमल हुज जीन आर मॉडिफाइड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग आर कॉल्ड क्या बोलोगे भाई प्लांट के माइक्रोब्स के एनिमल्स के अगर आप उनके जीन्स को चेंज कर दोगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे जीएमओ आप उसको बोलोगे है कि नहीं सो so आंसर क्या कहलाएगा भाई यहां पे ऑप्शन टू जीएमओ 48 बी वेरी गुड सुमन क्वेश्चन नंबर 49 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको गलत वाला स्टेटमेंट जो है वो बताना है विद रेस्पेक्ट टू जीएमओ जीएमओ के रिगार्डिंग अभी देखो जीएमओ हम क्यों बनाते हैं क्योंकि उनके अंदर टॉलरेंस आ जाए उनके अंदर हमें ये लगे कि वो जो है ना जो भी चीज़ें हम उनके ऊपर यूज कर रहे हैं वो हम चाहते हैं हमारी कोस्टिंग कम हो जाए तो उनके अंदर जो है ना कम क्वान्टिटी अगर हम प्रोवाइड करें तो उस कंडीशन के अंदर भी वो सर्वाइव कर सकें तो टॉलरेंट तो एबायोटिक स्ट्रेस अगर कम क्वांटिटी के अंदर अगर हम बोलेंगे कि उनमें वाटर दिया तो उसको भी वो टॉलरेट कर ले स्ट्रेस वाली कंडीशन को भी वो टॉलरेट कर ले बिल्कुल हम बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है वो कम हो जाए बिल्कुल ऐसा हम चाहते हैं ये भी बिल्कुल ठीक है सस्पेक्टेबल टू पेस्ट डिजीज ये गलत कहानी कह दी हम नहीं चाहते पेस्ट डिजीज जो होती है उसके लिए सस्पेक्टेबल हो ये बिल्कुल तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री वेरी गुड फोर्टी नाइन राइट आंसर ऑप्शन सी शे वेरी गुड बहुत बढ़िया हाँ जी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी देखो आइडेंटिफाई द इंसेक्ट दैट कैन बी थ्रंजिनेसिस किसको मार सकते हो से भैया ये तीन है हमारे पास में तीन कौन कौन से लेपिडोप्टेरेंस डायप्टेरेंस एंड कॉलिप्टेरस ये तीनों ही जो हैं इन तीनों से ही हम क्या कर सकते हैं बिल्कुल इन तीनों को ही ए बी एंड सी सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन टू ए बी एन सी मेलोडिगनी इनकॉग्नीशिया नहीं हांजी बी आंसर वेरी गुड सुमन वेरी गुड बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर को हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं रिट्रो वायरस हमारे virus, इसको करके और एस ए वैक्टर हम यूज करते हैं किसमें एनिमल सेल के अंदर जीन को पहुंचाने के लिए बिल्कुल सो डिसम एंड यूज इन एनिमल सेल आंसर हो जाएगा फिफ्टी वन के लिए टू वेरी गुड क्लियर है प्लांट के अंदर एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस टी आई प्लाजमेट बनाते हैं वहां पर राइट तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा ऑप्शन टू एंड बैक्टीरिया के लिए तो ट्रांसफर करने के लिए उनका खुद के प्लाज्मिड है ही चलो बहुत बढ़िया अरे बाबा टू एंड थ्री क्यों दिया है हमने तो केवल 51 में आंसर होगा बी चलो 52 बताओ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड एमिनो एसिड का पॉलीमर क्या होता है एमिनो एसिड से बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन और पॉलीपेप्टाइड चेन को हम क्या बोलते हैं भाई प्राइमरी बन गया प्रोटीन सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वार्टनरी ये फॉर्म भी हो सकती है प्रोटीन की पर बेसिकली बनेगी किसी एमिनो एसिड के पॉलीमर से सो so हम क्या बोल रहे हैं आंसर होगा प्रोटीन वन फिफ्टी टू में सुमन लड्डू मिला हमें राइट right? हाँ जी चलो भाई ये आपको डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम के अंदर आपको लेबलिंग बतानी है आपको दिया है टी एस सेक्शन ऑफ एंथर हाँ जी आपको बताना है ए मैं थोड़ा इधर हो जाऊं देखो आपको नजर आया मेरे पीछे चला गया होगा नहीं इधर से तो छुप गया इधर आती हूं ए आपको बोला गया ये बताना है बी आपको बोला गया ये एंड सी है ये चलो हां जी अभी देखो ए क्या है कनेक्टिव टिश्यू है स्टेराइल टिश्यू होते हैं बी क्या है ग्रेन और सी क्या है एंडोथीशियम एंडोथीशियम सो आंसर क्या हो गया ऑप्शन वन फिफ्टी थ्री ए लड्डू मिल गया श्रेया है हाँ ना चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर फिर से मैच आपको दिया गया है

तो आंसर हो गया वन फिफ्टी फोर में ए श्रेया जिस शान सुमन वेरी गुड देखो दिमाग यूज हो गया ना हमारा यस yes. ऐसे क्वेश्चन ट्वेंटी टू में तो सॉरी नीट ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर भरे पड़े थे एक मैच करने पे कॉलम को और सारा क्वेश्चन हो रहा था ट्वेंटी का पेपर उठा के देखो ऐसा ही था मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर अभी देखो गौर करना पूरे बायोस्फीयर में पूछा है एनिमल किंगडम में नहीं कॉलेजन ट्रिप्सिन रुबिस्को इन्यूलिन इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है एनिमल किंगडम पूछे कॉलेजन पूरा बायोस्फीयर पूछे रुबिस्को यस थर्ड वेरी गुड सुमन जिशान श्रेया क्या बात है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन नंबर 56 फर्स्ट टू एमिनो एसिड इन प्रोटीन रेस्पेक्टिवली यार बताओ भाई फर्स्ट एंड लास्ट एमिनो एसिड फर्स्ट एमिनो एसिड यस yes. अगर ये एक अमीनो एसिड है ये दूसरा अमीनो एसिड है तो ये जुड़ेंगे किससे ये अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और ये अपने एमिनो ग्रुप से जुड़ जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चेन ये कौन सा साइड है भाई ये इसका टर्मिनल है एन टर्मिनल और ये है सी टर्मिनल एन एंड सी यस सो फिफ्टी सिक्स राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन वन एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल क्या बात है बहुत बढ़िया जी शाबाश क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय

ठीक है लड़की जो है वो ब्लू कलर की है ब्राउन आई वाली जो है उसकी मम्मी है और ब्लू कलर के जो है आई वाले उसके फादर है ठीक है हर मेटर ग्रांड पेरेंट्स आर होमोजाइगस वो होमोजाइगस थे किसके लिए ब्राउन आई के लिए ठीक है एंड ब्लू आई के लिए होमोजाइगस कंडीशन थी इन दिस फैमिली ब्लू आई बेबी इज रिजल्ट ब्लू आई बेबी जो है वो कैसे डेवलप हुआ ये आप बताओ भाई अब ब्लू आई बेबी जो होता है वो कब डेवलप हो रहा है हम ये बोलते हैं कि वो किसी भी होमोजाइगस पेरेंट जो है ये देखो मैटरनल बोला है मैटरनल जबकि मम्मी जो है वो कैसी है आई वाली है मम्मी ब्राउन आई वाली क्यों हुई क्योंकि डोमिनेंट करेक्टर करेक्टर था तो इस वजह से ब्राउन कलर डेवलप हो गया राइट जबकि उसके नाना -ना नानी क्या थे ब्राउन आई वाले और ब्लू आई वाले थे ब्राउन आई एंड ब्लू आई वाले थे फिर भी मम्मी जो है ब्राउन आई वाली हुई क्यों क्योंकि डोमिनेंट करेक्टर था फिर देखो जैसे ही फादर जो है उसके कौन मिले ब्लू आई वाले मिले तो यहाँ पे बेटी जो है, वो अभी आ कौन सी Blue eye वाली जनरेशन स्किप हो जाती है वो जनरेशन जो है वो स्किप हो गई नाना नानी में था फिर उसके बाद में मम्मी में नहीं था फिर से क्या हो गया उस बेटी के अंदर डेवलप हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ एक जनरेशन स्किप हुई सो रिसेसिव जीन है ये राइट आंसर होगा फिफ्टी के लिए ए

रेप्लीकेशन ऑफ डी एन एज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मैथड इच डॉटर पैरेंटल एंड अदर स्टैंड इज न्यू बिल्कुल हम लोगों ने बताया है डीएनए जो होता है रेप्लीकेशन वो सेमी कंजर्वेटिव होता है एक पैरेंटल होता है एक पूरी तरीके से नया बनता है तो दोनों स्टेटमेंट राइट right है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बिल्कुल राइट right है सो so आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन वन ये इजी है बहुत ही आसान आप आंसर कर सकते हो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन सेकेरम बारबेरी किसकी वेरायटी है भैया नॉर्थ की वेराइटी है शुगर केन की यस yes. सेकेरम ऑफिसम एंड सेकेरम बारबेरी ये दो ही वेरायटी के बारे में बात हुई है तो शुगर केन की वरायटी है सिक्सटी वन ए वेरी गुड सुमन श्रेया वेरी गुड बहुत बढ़िया चलो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू आंसर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंगल डिजीज इनमें से कौन सी फंगल डिजीज है ब्राउन रस्ट रेड रोड शुगर केन लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो ऑल ऑफ द बो लड्डू क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया अरे सारी की सारी है भाई फंगल डिजीज ऑल ऑफ द बो सभी फंगल डिजीज है फोर मिला सबको यस ऑल ऑफ द बो सारी की सारी हैं चलो ये देखो सिक्सटी थ्री मेज हाइब्रिड हमने जो डेवलप किया है उसके अंदर हाई अमाउंट में क्या होगा लाइसिन ल्यूसिन मिथ्यूनियन सिक्सटीन एनसीआरटीसी से डायरेक्ट सिक्सटी थ्री जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा यस लाइसिन वेरी गुड सुमन बहुत बढ़िया उमदा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर द मेथड ऑफ आउट्रीड उटब्रीडिंग डिवाइसोगी दोनों फ्लावर मतलब तो मतलब so, जो है वो प्रेजेंट है अलग अलग प्लांट के ऊपरोगी तो हो जाएगा राइट right आंसर क्या होगा डाई क्ली विद डायोशियस कंडीशन आंसर होगा टू वेरी गुडान बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर मेल मेल बाय डिवीजन इन द फॉलोइंग बताओ भाई जो होते हैं वो में बनते हैं डिवीजन किसके अंदर होता माइक्रो स्पोर में वेजिटेटिव सेल में जनरेटिव सेल में या पोलन मदर सेल में तो मेल गैमेट कब बनते के अंदर दो सेल है generative. Generative क्या, करेगी? को करेगी. Yes. तो right क्या हो जाएगा ऑप्शन थ्री जनरेटिव सेल ना 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 ढंग से पढ़ो जनरेटिव हमने मेल गैमेट पूछा है हमने ग्रेन नहीं पूछा है तो पोलन मदर सेल नहीं हो सकता आंसर रीड आराम से आराम से यस yes. चलो बताओ इफ ए स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू द ओवम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इज कॉल्ड अगर डायरेक्टली स्पर्म को ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया फर्टिलाइजेशन करवा दिया आपने तो इसको आप क्या बोलते हो अभी देखो इसको आप बोलोगे आईसीएसआई इंट्रा साइटोप्लाजमिक स्पर्म इंजेक्शन इंट्रा के इंसेमिनेशन अगर स्पर्म को रिलीज किया जाए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बिल्कुल या फिर में इंसर्ट किया जाए सीमन को एंड यहां पे हमने बोला है Zygote Transfer. इसका मतलब Zygote को फेलोपियन, फेलोपियन जो है आपका फेलोपिन ट्यूब उसमें ट्रांसफर किया जाए राइट yes. आंसर so, right क्या होगा ऑप्शन वन ये सिक्सटी वन ए सुमन शुस अरे वाह वा. ये कौन है भैया नॉलेज

आई यू आई है कि नहीं राइट है यूट्रस दे दिया ना चलो वेरी गुड सिक्सटी सेवन ए यस सुमन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल अकर ड्यूरिंग क्रिस्टेशन पीरियड जुरासिक पीरियड ट्राइसिक पीरियड एंड हाँ परमियन पीरियड ये पीरियड बिल्कुल आपको रेप्टाइल्स के बारे में बोला है जुरासिक पीरियड याद करो डायनासोर याद करो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन टू यस वेरी गुड सिक्सटी एट राइट आंसर ऑप्शन टू सिक्सटी नाइन वेरी गुड शिया द टेम्परेचर एट विच द ऑर्गेनिज्म लाइफ एक्टिविटीज आर द मैक्सिमम इज कॉल्ड अरे भैया हम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी पे कब होंगे जब हमारे लिए कंडीशन ऑप्टिमम होगी ऑप्टिमम कंडीशन में हम अपनी बेस्ट शो करते हैं राइट ऐसा होता है तो भैया टेम्परेचर के बारे में बात की है, तो इसका मतलब एक्टिविटीज एकदम अपने मैक्सिमम हम बोलते हैं कि रहेगी एक्टिविटी कब जब टेम्परेचर होगा ऑप्टिमम बिल्कुल थर्ड राइट आंसर है वेरी गुड जिशान क्या बात है सेवेंटी बताएंगे भाई कार्निवर एनिमल लायन एन लेको क्या बोलोगे भाई? दोनों ने क्या कर लिया पंथी पंथी कर लिया हमारे मारवाड़ियों में बोलते पंती -पंती कर लिया. है ना? ये खाएगा मैं ये खाऊंगा ऐसे तो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है इसको क्या बोल रहे हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग अपने जो खाने का सामान है उसका बंटवारा कर लिया इन्होंने तो कोई झगड़ा नहीं होगा सी यस yes. सेवेंटी में आंसर होगा सी एटीट्यूड क्वीन दिव्या मिश्रा हेलो क्वेश्चन एटीट्यूडी दिव्यालो बिटवीन विच फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म कमेंसलिज्म का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ऑर्किड एंड द ट्री ऑन विच इट्स ग्रो बिल्कुल एक को बेनिफिट होना चाहिए दूसरे को कुछ नहीं होना चाहिए कैटल के अंदर बिल्कुल ग्राजिंग केटल के अंदर और एग्रेट के अंदर बिल्कुल बिल्कुल सी एनिमोन एंड क्लॉन फिश बिल्कुल ये सभी कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल है फीमेल एंड फिग ये देखो म्यूचुअलिज्म एक अपने अंडे देगा तो दूसरे के लिए पॉलिनेशन हो जाएगा बिल्कुल आंसर हो गया डी आहा वेरी गुड सुमन शे वेरी गुड दिव्या 72 टू विच आर द इज नॉट ए रीजन ऑफ डायवर्सिटी रिचनेस एट दट ट्रॉपिक रीजन कौन सा रीजन नहीं है नहीं है वाला बताना है अभी देखो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म। तो भैया इसमें तो क्या होगी डायवर्सिटी बढ़ेगी स्टेबल सीजनल एक्टिविटी होगी तभी भी ठीक है स्टेबिलिटी रह जाएगी लेस पेनिट्रेशन ऑफ लाइट अगर लाइट कम जाएगी तो डायवर्सिटी जो है उसकी रिचनेस नहीं होगी कम हो जाएगा तो ये हो गया आंसर एंड सुटेबल इडेफिक फैक्टर मैंने क्या बोला ऑप्टिमम कंडीशन में कुछ भी चीजें मिले सुटेबल मिले एनवायरमेंट मिले सभी चीजें मिले सब अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी पे होते हैं ऐसा होता ही है सुटेबल इडेफिक फैक्टर होंगे सॉइल वर्ल्स सभी सही होगी तो बिल्कुल डायवर्सिटी जो है वो अपने मैक्सिमम पे होगी आंसर हो जाएगा सी ओ हो ना 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 सुमन राइट right आंसर है आपका हां जी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री द वेरिएशन इन बिटवीन भाई ये क्या भैया ये पूछा है इंडिविजुअल के अंदर वेरिएशन मेरे अंदर वेरिएशन आ रहा है इसका मतलब मेरे जीन्स के अंदर क्या है इस लेवल पे डायवर्सिटी है सो जेनेटिक लेवल पे डायवर्सिटी होगी तभी इंडिविजुअल के अंदर वेरिएशन जो है वो डेवलप होंगे सो so आंसर क्या हो जाएगा बी सेवेंटी वेरी गुड क्या बात हाँ जी वेरी गुड चलो सेवेंटी फोर चूज द करेक्ट पेयर ऑफ रिचेस्ट डाइवर्सिटी स्पीशीज और आपको रिच डाय बताने हैं इन वर्टीब्रेड्स में वर्टिब्रेट्स में और प्लांट्स में ठीक है अभी देखो इन वर्टिब्रेड्स में कौन आते हैं इंसेक्ट वर्टिब्रेट्स में फिशेस एंड प्लांट्स के अंदर एनजियोस्पम्प डोमिनेंट है बिल्कुल सो so, यहां पर आंसर आ जाएगा इंसेक्ट फिशेज एंड एनजियो आंसर होगा सी राइट है यस सेवनटी फाइव विच द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इनवर्टेड उल्टा कौन सा होगा तो देखो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी पहले फाइटो देन जू प्लैक्टोन स्मॉल फिशेस लार्ज फिशेस बायोमास निकालो लार्ज फिशेज का सबसे ज्यादा होगा तो इनवर्टेड हो गया आंसर होगा ऑप्शन ए लड्डू पहले ही मिल गया 75 में सुमन वेरी गुड जिशान 74 का ही आंसर कर रहे हो अभी यश राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 76 सिक्स अगर इंसान जो है वो मछलियों को खाए ठीक है और ये मछलियां जो जू प्लैंटॉन्स के ऊपर क्या कर रही हैं फीड कर रही हैं और ये जो है स्मॉल प्लांट के ऊपर फीड कर रही है तो प्रोड्यूसर कौन है इनमें से जो खाना बनाएगा जो ऑटोट्रॉफिक मोड शो करेगा तो चीज है स्मॉल प्लांट जो है वो कौन है इसके अंदर प्रोड्यूसर इजी वन लड्डू मिल गया हमें पहले ही हाँ जी दिव्या वेरी गुड कहाँ जा रहे हो भाई नेक्स्ट आंसर करो सेवेंटी सिक्स यस एवरी वन राइट एंड जिशान इसका भी गलत दे रहे हो सेकेंड स्टेज ऑफ हाइड्रोसियर इज ऑक्यूपाइड लाइक कौन से प्लांट होते हैं और हाइड्रोसियर के बारे में बात कर रहे हैं तो हाइड्रोफाइट देखो कौन है well, होगा होगा इसका आंसर आंसर भी हैं फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट क्या करोगे भैया न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए उनको ले जाके कहीं पे रॉक्स के अंदर चट्टानों के अंदर नीचे क्या कर दो बूर दो हमारे मारवाड़ियों में बोलते हैं बरी यस yes. ले जाके उनको दबा दो वहां पर तो वो होगा बेस्ट मेथड राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सबसे पहले बिल्कुल हांजी सेवेंटी एट में ए सेवेंटी नाइन विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइ ऑक्साइड एंड मिथेन मेन पूछा है ना यस, सो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन वन लड्डू पहले ही मिल गया यस एटी टी ए फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल प्लास्टिक हैज़ टू बी गुड फॉर अहमद खान क्या किया था इन्होंने रोड बनाई थी कंस्ट्रक्शन बिटूमिन के साथ में मिला के बिल्कुल सो so आंसर क्या हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड राइट आंसर होगा ए के लिए डी यस वेरी गुड बिल्कुल आंसर होगा डी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सो बच्चा जी ये थे आपके 80 क्वेश्चन आज के लिए जिसमें हमने इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ को कवर किया बिल्कुल और ऐसे ही प्रैक्टिस पेपर होने हैं अभी आगे तो क्या करेंगे बच्चा जी आप लोग शेयर करेंगे बिल्कुल सेशन को लाइक करेंगे और मुझे यहां पे अब क्या चाहिए स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज चाहिए सभी इसका बेनिफिट उठाएंगे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को बेल आइकन को हिट करेंगे पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल जो है हमारा जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उसको जाके फॉलो करेंगे थैंक यू एवरी वन ही यस अभी बच्चा डेली हो गए जब तक आपका एग्जाम आएगा हम टेन सेप्टेंबर तक ये करने वाले हैं कंटिन्यू डेली इलेवन ए एम पे तो ज्वाइन करेंगे और बाकी स्टूडेंट्स को भी ज्वाइन करवाएंगे ठीक है मजा तभी आएगा बिल्कुल एवरीवन चलिए बाय बाय आज के लिए इतना ही सिया हर हाँ जी अगर आप लोगों को जानने हैं एन के मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अन नीट पे आज एक बजे ओके बाय बाय थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच चलिए बाय एवरीवन